ये है अपना मड हाउस, ये एडोबी स्ट्रक्चर में बना है। एडोबी कहते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेक्निक फॉर नेचुरल बिल्डिंग। तो एडोबी में भी नेचुरल बिल्डिंग में भी कई सारे टेक्निक्स प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है एडोबी का। एडोबी, कॉब, रैमडर्थ, वेटल एंड डॉब, अर्थ बैग, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो आप अभी सामने, आपके सामने जो मड हाउस दिख रहा है, ये है एडोबी स्ट्रक्चर में बना हुआ। एडोबी स्ट्रक्चर का मतलब होता है सन ड्राइड ब्रिक्स हम लोग लेते हैं और उसको एज अ, जैसे नॉर्मल मैसनरी की जाती है, नॉर्मल तरीके से जैसे बनाया जाता है, उसी हिसाब से हम इसे बनाते जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे किसी भी तत्वों का, हानिकारक तत्वों का या पॉलिटेंट्स का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान पहुँचे या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। तो ये हमारा मड हाउस है। इसकी जो नीचे की पोर्शन है वो ऑक्साइड फ्लोरिंग की गई है और ऊपर जितना सब कुछ डाला गया है सब लकड़ी के द्वारा डाला गया है, लकड़ी का बनाया गया है। सारी चीज़ें लकड़ी की बनाई गई हैं, लकड़ी और ऊपर जो है उसके मैंगलोर टाइल्स हैं, ये टेराकोटा टाइल्स या मोरबी टाइल्स कह सकते हैं, वो बनाए गए हैं। ठीक है, आप इनको देखिए किस तरह बनाया गया है। ये पिलर्स हैं जो पूरे मड हाउस को, के स्ट्रक्चर को लोड बेयर करते हैं बीच में। ये एडोबी तकनीक से बनाया गया है। ये पिलर्स हैं लकड़ी और ऊपर से मैंगलोर टाइल्स या मोरबी टाइल्स का प्रयोग किया है ताकि इस पे पानी का कोई असर ना हो। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन से क्लाइंट कैसे कैसे, उसके हिसाब से लोग बनाते हैं या उनको कैसे कैसे भवन चाहिए, उसी हिसाब से इनकी डिज़ाइनिंग, उसी हिसाब से इनका इनका प्रायोगिक स्ट्रक्चर बनता है। या कह सकते हैं जो भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनता है, लेकिन ये अलग अलग क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के रिक्वेजिशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये मड हाउस है, आप ये इधर भी देखिए, हमने इधर बैठने का वो बनाया है, इधर बैठने का भी है। जब भी आप बाहर निकलें अपने रूम से, यहाँ बैठने का स्थान भी है आपके पास, इधर भी बैठने का स्थान है। सब कुछ जोड़ लोगे फिर बात।